नमस्कार मित्रों, बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक में किसी सेल का हम नाम भी दे सकते हैं? यदि आप जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप करें, और यदि नहीं जानते हैं तो सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरे स्क्रीन पर कुछ डाटा है, ये इसमें प्राइस है और सेल टैक्स निकालना है। सेल टैक्स का रेट ये जैसे दिया हुआ 5% G6 में, तो ये सेल टैक्स निकालने के लिए जैसे हम लोग फॉर्मूला दे सकते हैं कि इसका रेफरेंस देखें इनटू G6 को ये F4 से लॉक कर देते हैं, इंटर, और इसके बाद इसको कॉपी कर देंगे तो हो जाएगा। ये इस तरह से हम लोग करते रहे, लेकिन अगर ये सेल टैक्स का बार बार बहुत जगह और उपयोग में लाना हो तो इससे आसान तरीका है कि इसका एक नाम दे दें हम लोग। इसको कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए नाम का कैसे प्रयोग करते हैं। तो ये इसको सेलेक्ट किए और ये डिफाइंड नेम जाते हैं हम लोग और इसका नाम दे देते हैं सेल्स टैक्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें आपको स्पेस बीच में नहीं छोड़ना है, ये ध्यान देना है। ओके किए, अब देखिए क्या होता है। अब इसमें हमको अगर फार्मूला देना होगा तो इसका रेफरेंस दिए इनटू, अब सेल टैक्स जैसे ही हम लिखते हैं आ गया यहाँ पर, आप इसको क्लिक करें और ये फार्मूला में ले लें। अब इसको आप कॉपी कर दें इस तरह से, अब जहाँ भी आपको उसको उपयोग करना होगा तो इसका वैल्यू के लिए आपको फिर से रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं, आप सेल टैक्स जैसे ही लिखेंगे और वो फार्मूला हो जाएगा। अब ये भी हम कर सकते हैं कि ये तो सेल का नाम दिए, बिना सेल का कांस्टेंट का भी हम नाम दे सकते हैं। जैसे इसको डिलीट कर देते हैं और ये भी हम डिलीट कर देते हैं सपोज कीजिए। अब देखिए पहले से जो नाम है उसको हम हटा देते हैं, ये सेल टैक्स है इसको डिलीट कर दिया। अब यहां पर एक न्यू नाम न्यू करते हैं सेलेक्ट, फिर से लिख देते हैं सेल टैक्स अंडरस्कोर टैक्स, और यहां इक्वल टू में जो सीट का नाम है उसके जगह पर कांस्टेंट दे दें, जैसे 5% था तो और भी कोई फिगर आप दे सकते हैं, 4% ही दे देते हैं, 0.04। ओके कर दिया, क्लोज कर दीजिए। अब इसका उपयोग आप कर सकते हैं फिर से इनटू सेल्स टैक्स, अब जो रेट था वो आ जाएगा। देखिए 4% आपकी बार लिए थे 4%, अब इसका आप जहां उपयोग कर सकते हैं उसको कहीं सेल में भी रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एक्सेल में नामकरण का, नेमिंग का बहुत उपयोग है। इस पर आगे भी हम कई वीडियो बनाएंगे, और इस तरह से हम लोग एक रेंज का नाम दे सकते हैं, सेल का तो नाम देना बताया ही, और फंक्शंस और फॉर्मूले का भी एक नाम दे सकते हैं। इसलिए आप मेरा वीडियो देखते रहें, आपको आने वाले दिनों में नेमिंग पर कई वीडियो मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बीके गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।